दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर आ गई है दो न्यू अपडेट। दोस्तों इस अपडेट आने के बाद में दोस्तों काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनके व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं। दोस्तों उनको पता ही नहीं चल रहा, बिना ओटीपी बिना एक्सेस दिए ही दोस्तों व्हाट्सएप हैक हो रहा है। दोस्तों आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि दोस्तों काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों अगर आपके व्हाट्सएप के अंदर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त फैमिली मेंबर किसी के साथ अगर आपकी व्हाट्सएप की चैट है या फिर आपके व्हाट्सएप के अंदर प्राइवेट फोटो है, वीडियो है, ऑडियो है, डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, तो दोस्तों आपको इन अपडेट के बारे में डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। नहीं तो दोस्तों सब कुछ चला जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि इस अपडेट के देने के पीछे रीजन क्या है वो दो अपडेट आई है, दोनों के बारे में बताऊंगा और उसके बाद लास्ट में ये भी बताऊंगा इससे आपको सिक्योर कैसे करना है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर फॉलो कर। दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर आ गई है दो न्यू अपडेट। अपडेट आने के बाद में बिना ओटीपी दोस्तों व्हाट्सएप हैक हो रहा है, अगर आपकी प्राइवेट फोटो है, वीडियो है, ऑडियो है, कुछ भी। अब दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए अपडेट क्या है, इनसे आपको सिक्योर कैसे होना। सबसे पहले आप जब भी व्हाट्सएप अपडेट करोगे या फिर आपका ऑटोमेटिक व्हाट्सएप अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद में ये अपडेट आपको भी मिल जाएगी। यहाँ दोस्तों आपको ऊपर थ्री डॉट वाला आइकॉन है, इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ लिंकिंग डिवाइस वाले ऑप्शन आपको दिखाई देगा। दोस्तों देखिए यहाँ आपको पता है कि पहले लोग QR कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप वेव के जरिए मोबाइल है वो चला लेते थे, परंतु अब ये भी जरूरत नहीं है। परंतु दोस्तों आपको जब लिंकिंग डिवाइस वाले ऑप्शन को ओपन करोगे तो यहाँ चेक करना आपको, अगर कोई भी विंडो आ रहा है तो इसका मतलब आपका डिवाइस किसी और डिवाइस के अंदर लॉगिन है, चाहे वो मोबाइल में है, लैपटॉप में है। अगर कोई भी विंडो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अब भी आपका व्हाट्सएप सिक्योर है। और उसके बाद लिंकिंग डिवाइस वाले ऑप्शन पर जैसे आपको एक न्यू अपडेट देखने को मिलेगी जिसका नाम है लिंकिंग विथ फोन नंबर स्टैंड। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इस अपडेट के पीछे रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रही है वो समझने की कोशिश करना और किस तरह हो रहा है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 8 डिजिटल एक कोड मांग रहा। अब ये कोड कैसे जनरेट होगा और इस कोड के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अब ये जो अपडेट आई है इस अपडेट का रीजन क्या है वो तो अभी तक पता नहीं चलता है, परंतु दोस्तों काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि दोस्तों जब भी आप यहाँ टाइप करोगे व्हाट्सएप वेव, क्लिक कर देता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ व्हाट्सएप वेव, इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये साइट ओपन होगी और इस साइट पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये एक न्यू साइट ओपन करेगी। परंतु यहाँ दोस्तों ये है कि मोबाइल नंबर डालते हैं, देखिए फ़ोन नंबर लिंकिंग मोबाइल नंबर डालते दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ से एक कोड जनरेट हो जाता है, यहाँ देखिए कंट्री कोड, उसके बाद यहाँ से एक कोड जनरेट हो जाता और उसके बाद दोस्तों ये कोड है ऑटोमेटिकली फील हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपका व्हाट्सएप है वो हैक हो जाता है। और दोस्तों यहाँ देखिए 8 डिजिटल कोड है, ये कोड व्हाट्सएप वेव के जरिए है वो जनरेट हो जाता है और उसके बाद फील हो जाता है। इनसे आपको सिक्योर करने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करके और सेटिंग वाले आइकॉन पर क्लिक करके और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का, जो अकाउंट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके सबसे पहले तो आपको 2-स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करके रखना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है ताकि आपका जो मोबाइल है व्हाट्सएप है वो किसी डिवाइस के अंदर लॉगिन नहीं होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए ऐड रिकवरी ईमेल भी आपको डालना है और यहाँ देखिए एक आपको ऑप्शन मिलेगा सेक्रेटरी नोटिफिकेशन, इस सेटिंग को शो सेक्रेटरी नोटिफिकेशन ऑन दिस डिवाइस, इसको भी आपको इनेबल करना है। इसके साथ साथ आपको ईमेल एड्रेस से वेरीफाई भी कर देना है और ईमेल एड्रेस से अगर वेरीफाई करोगे तो दोस्तों आपका व्हाट्सएप का एक्सेस किसी और डिवाइस के अंदर नहीं होगा जब तक आप ईमेल पर आप खुद यस नहीं करोगे। ये व्हाट्सएप के अंदर जो अपडेट आई है इस अपडेट के बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। दोस्तों इस अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है फीडबैक कमेंट सेक्शन जरूर दीजिए, मेरे को दीजिए। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।